लेकिन देरा की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए आज ये बोल रहे हैं कि मैं देरा का दामाद हूं, वो देरा के फर्जी दामाद हैं। इन फर्जी बातों के कारण से ही ये चुनाव कमलेश कुमारी हारेगी और इसका पूरे का पूरा जो श्रेय है वो आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाएगा। देरा के उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी की बुखलाहट बताती है कि कमलेश कुमारी देरा से चुनाव हार गई है। लंबे समय से मुख्यमंत्री जी का देरा में बैठना, देरा में आके अलग अलग समुदायों को, अलग अलग लोगों को अपने पास बुलाना, किसी से प्यार से बात करनी, किसी को डराना, इस प्रकार का वातावरण जो देरा के अंदर देखने को मिल रहा है, ये इस बात का सूचक है कि कांग्रेस देरा से चुनाव हार गई है। इस चुनाव हारने के पीछे अगर दोष किसी को जाएगा तो वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाएगा, क्योंकि सुक्खू जी ने पिछले 18 महीनों के अंदर हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हमेशा झूठ बोला और वो बातें सारी देरा की जनता को भी नजर आ रही हैं। जिस व्यक्ति ने महिलाओं से, नौजवानों से, किसानों से, हर किसी को ये बोला कि जो भी बोला वो सारा झूठ बोला, और आज देरा की जनता को भी ये बोलकर कि देरा के अंदर जिला बनाया जाएगा। देरा की जनता पूछना चाहती है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि अगर आपके मन के अंदर देरा के प्रति इतनी ही पीड़ा थी तो जब आपने एसपी की नोटिफिकेशन की बात की, जब आपने सर्कल पीडब्ल्यूडी बनाने की बात की, आपने उन चीजों के बारे में नोटिफिकेशन का विषय लिया, तो इसकी नोटिफिकेशन का विषय क्यों नहीं आया? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां के फर्जी दामाद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी असली दामाद जसवां परागपुर के हैं, लेकिन देरा की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए आज ये बोल रहे हैं कि मैं देरा का दामाद हूं, वो देरा के फर्जी दामाद हैं। इन फर्जी बातों के कारण से ही ये चुनाव कमलेश कुमारी हारेगी और इसका पूरे का पूरा जो श्रेय है वो आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो ऑफिस है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उनके मित्रों की सरकार ने इस पूरे हिमाचल प्रदेश को का जो है वहां पे भ्रष्टाचार में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस सरकार के आने के बाद सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पे माइनिंग पॉलिसी में बदलाव किया गया, केवल और केवल अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को लाभ देने के लिए। पूरे जिला कांगड़ा के, पूरे जिला हमीरपुर के क्रशर बंद हो गए, लेकिन इनके परिवार का क्रशर चलता रहा। उसके लिए कायदे कानून बदल कर ऐसे कायदे कानून बनाए गए जिनके जो कायदे कानून कभी हमने सुने ही नहीं है। माइनिंग के अंदर चेंजेस के विषय के बारे में बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर बिजली बेची जाती थी तो HPSEBL जो है वो बिजली बेचता था, लेकिन आज वहां पर भी मिडोकर आ गए हैं, वहां पर भी एजेंसियां बाहर से लगा दी हैं, जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जमीनों की खरीद फरोख्त के अंदर भी जो जमीन 2 लाख या 4 लाख में ली गई, उस जमीन को करोड़ों के भाव जो है वो HRTC में बेचा गया। जब HRTC ने इनकार किया कि हम जमीन लेने में असमर्थ हैं, तो DC के माध्यम बनाया गया, उसके द्वारा उस जमीन को खरीदा गया और फिर दोबारा से उसको HRTC के नाम किया गया। इन समस्त बातों के कारण से ये लगता है कि देरा विधानसभा क्षेत्र की जनता इन सारी बातों को समझ गई है कि जो देरा के साथ जिस प्रकार का आने वाले समय में जो कुछ होने वाला है, ना यहाँ देरा में जिला बनेगा, ना सर्कल बनेगा, ना पुलिस स्टेशन, जो SP का ऑफिस यहां बनेगा। आज देरा की महिलाओं को बोला जा रहा है कि महिला मंडल के लिए 50,000 रुपया ले लो, और मैं मुझे इस बात की खुशी है कि देरा की महिलाओं ने कांग्रेसियों को कहा, जो पैसा है उसको कहा कि इस पैसे को वापस ले जाओ, हम आपसे पैसा नहीं लेना चाहते, हम यहां से धरती पुत्र होशियार सिंह के साथ हैं, हम उसको यहां से अपना जो है विधायक बनाना चाहते हैं। और मुझे पूर्ण आशा है और मुझे नजर आ रहा है कि देरा विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन ने ये मन बना लिया है कि वो देरा के पुत्र को, देरा के बेटे को यहां से विधायक बनाएंगे, और यहीं से कांग्रेस की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। इतना ही मुझे कहना था।